दोस्तों आप ये देख रहे होगे, सोच रहे होगे भाई ये मेरे हाथ में ये सब क्या है। तो दोस्तों क्या था कि मैंने जब अपनी नई गाड़ी ली थी, तो मैंने नई गाड़ी लेते टाइम ही शोरूम से कुछ एक्सेसरीज जो है अपनी गाड़ी में लगवा ली थी। अब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि अगर आप फ्रॉन्ग्स परचेज कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी एक्सेसरी लेनी चाहिए। वैसे तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने डिटेल्ड में आपको सब बताया प्राइसिंग के साथ, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। बट क्या है कि मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि कौन कौन सी एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कौन कौन सी एसेसरीज आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, प्राइस का डिफरेंस हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। बाय द वे अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या है, जो आपके जब आप डोर ओपन करते हो, जहाँ डोर पे आप पैर रखते हो, जो आपको वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे क्या करा था मैंने, वहाँ पे लगवा ली थी लाइट नेक्सा की, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो वो क्या होता है, वहाँ पे ये डमी वाले लगे हुए होते हैं, इनको डोर गार्ड कह लो, इस टाइप का कुछ नाम होता है। तो ये हट गए थे एंड वो लाइटिंग लग गई थी, तो शुरुआत उससे ही करते हैं। अब देखो पर्सनल चॉइस है, आप वो लगवा भी सकते हो, इसे कट कर दे। बात करते हैं क्या ये लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप लगवाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। तो ये एसेसरी मैं कंपलसरी एसेसरी में नहीं ऐड करता हूँ, ये अपना पर्सनल टचअप है अपनी गाड़ी पे। तो ये लगभग मेरे ख्याल से 2900 या 3000 रुपये की लाइट थी, एक्सपेंसिव थी, नो डाउट एक्सपेंसिव थी, बाहर आपको सस्ती मंदी मिल जाएगी, कंपनी की थी इसलिए इतनी महंगी थी। तो आपकी चॉइस है, लगा सकते हो, थोड़ा सा लाइट का कनेक्शन वगैरह होता है, इन लोगों ने बड़े अच्छे से कर दिया। तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने गाड़ी में आपको सभी को बताया कि अब तक बाहर से कोई काम छिड़वाया नहीं, अब तक सारा काम शोरूम वाला ही है। तो ये चीज़ है, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो पहली एसेसरी तो ये हो गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो में एक एक करके वो एसेसरीज जो मेरे हिसाब से लगवानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि गाड़ी शोरूम से निकले और ये एसेसरी चिपकी भी होनी होनी चाहिए आपकी फ्रॉन्क्स में। सबसे पहली बात, गाड़ी को एक नेक्स्ट लेवल लुक दे देती है अगर आपकी गाड़ी में पीछे वाली डिक्की वाली क्रोम लग जाए तो। वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, 900 रुपये की लगती है एंड कंपनी वाली क्रोम वो लोग कहते हैं कि काली नहीं पड़ती है, वो तो सारे लोग ही कहते हैं, बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर गाड़ी शोरूम से निकल रही है डिक्की वाली क्रोम अगर लग जाती है तो मज़ा सा आ जाता है। तो डिक्की वाली क्रोम मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, 900 रुपये की है। ये बस मेक श्योर करना कि आपको जो स्क्रीन पे डिक्की क्रोम दिख रही है वही लगवाना, काफ़ी लोग के साथ ये स्कैम हो सकता है कि बलिनो वाली चिपका दे, क्योंकि बलिनो और फ्रॉन्क्स काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है, काफ़ी लोग इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि गाड़ी में आप शोरूम से निकलते समय ही अपनी गाड़ी में मैट्स पड़वा लें, चाहे आपको 3D मिल जाए या 5D मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, बट मैट्स जरूर से पड़वा लें, क्योंकि भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है एंड मैंने फ्रॉन्क्स के जो ऑफिशियल मैट्स हैं वो अपनी गाड़ी पड़वा ली थे। एक गलती ये होगा कि मुझे पूरा कंप्लीट वाला सेट जो आता है जिसमें सब जो आगे के दोनों होते हैं और जो पीछे वाला जो होता है वो पूरा कंबाइंड वाला होता है वो नहीं मिला मुझे, सब अलग अलग मिले, तो उस वजह से थोड़ा सा गाड़ी गंदी हो जाती है वो बीच वाला पोर्शन जो हम्प वाला होता है। उसके अलावा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार आप लोग मैट जरूर से जरूर परचेज करें अगर आप गाड़ी ब्रांड न्यू खरीद रहे हैं शोरूम से। तीसरी चीज दोस्तों, जो मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छा टच देती है आपकी इंटीरियर की डिजाइनिंग पे, साथ ही साथ आपकी जो ड्राइवेबिलिटी है उसको भी काफी बढ़िया कर देती है, वो है कि आप अपने जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर जरूर से जरूर स्टीयरिंग रैप लेदर रैप जरूर से करा लो। एक सबसे पहली बात, वो स्टेयरिंग जो है वो इतना पतला सा है कि बिल्कुल चलाने में मज़ा नहीं आता, बिल्कुल बढ़िया ग्रिप नहीं बनती है। सेकेंडली चीज़, वो क्या है कि दिखने में भी इतना कुछ खास लगता नहीं, तो अगर आप बढ़िया लेदर स्टेयरिंग वगैरह करवा लें, मेरा डिसेंट है, 800 रुपये का है शायद पूरा कंप्लीट सेटअप, तो स्टिचिंग वगैरह भी सब कुछ वही करके देते, तो पर्सनली अभी तक तो मुझे सही लग रहा है, लुक भी अच्छा कर देता है, डिसेंट सा लुक कर देता है एंड ओवरऑल इंटीरियर की डिज़ाइनिंग बढ़िया हो जाती है, साथ ही साथ ड्राइविंग भी अच्छा जाता है, स्टेयरिंग मोटा हो जाता है। मारुति के स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा ही पतले हैं, उस डिपार्टमेंट मारुति को थोड़ा काम करना चाहिए। अब जो है चौथी जो मैंने एसेसरी लगवाई, वो मुझे पर्सनली लगता है कि यार उससे थोड़ा सा जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा हिंडर हो रहा है, बट उसके बेनिफिट्स भी हैं और थोड़ा सा नुकसान भी है। सबसे पहले बात करता हूँ कि क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली बात जो सन वाइजर्स लगवाएं उनकी सबसे अच्छा बेनिफिट्स की बात करूँ भाई, तो उनमें क्रोम लगी हुई, क्रोम वाले सनवाइजर लगाना, नॉर्मल वाले काले नॉर्मल वाले मत लगाना, वो बहुत गंदे लगते हैं, क्रोम वाले लगाना सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जो फ्रॉन्क्स की अगर आप विंडोज़ देखोगे यार वो छोटी हैं और गाड़ियों से कंपेयर करोगे छोटी है, तो उस वजह से क्या होता है अगर आपने सनवाइजर लगवा लिया है तो थोड़ा सा आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो रही है, मैंने पर्सनली फील करा, क्योंकि मैंने जो गाड़ी ड्राइव करी थी जो टेस्टिंग व्हीकल था उसमें मुझे इतना इशू नहीं आ रहा था, बट
जो मैं अपनी खुद की गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे कहीं नहीं फील होता कि यार सनवाइजर लगाने से थोड़ी सी विंडोज की और जो है लेंथ या विथ कहो या देखने की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी और कम हो गई है। तो मेरे को पास नहीं लगता है कि सनवाइजर अगर आप, अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं को लगता है कि लगवा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी बारिश का मौसम में अपनी थोड़ी सी विंडो रोल डाउन कर सकते हो तो उस वजह से बारिश भी अंदर नहीं आएगी एंड एयर का क्रॉस वेंटिलेशन भी अच्छा होता रहता है। तो ठीक है, लगवा सकते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहूँगा। अगर आप इतना चीज़ झेल सकते हो कि एसी चला के भी क्रॉस वेंटिलेशन सही हो जाता है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। मेरे हिसाब से हिट एंड मिस है, 40% कहूँगा कि हिट है और 60% कहूँगा मिस ही है। तो आप अपनी पर्सनल चॉइस पे रख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेसरी की, जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई, वो आई आपकी जो डिक्की वाली मैट होती है, वो मुझे लकीली 70 वाली मिल गई थी एंड भाई बहुत बेहतरीन क्वालिटी है एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वो लगवा लो। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि भाई वाइट गाड़ी में क्रोम वाले हैंडल लगवा दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आ रहे। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं। मैं सोच रहा था लगवाने की बट मैंने भाई देखा कि यार गाड़ी जो है वो डिसेंट लुक जो दे रही है ना, वो जो बॉडी कलर डोर हैंडल से यार उसी के साथ डिसेंट बढ़िया लुक दे रही है। तो क्रोम वाले मुझे पर्सनल चॉइस अच्छी लगी नहीं। बाकी आप बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। जो डी क्रोम वाले हैंडल्स आते हैं ना, जो आपकी वरना वगैरह में आते हैं, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वो अगर कहीं से जुगाड़ बनते हैं तो वो ज़रूर करवाया जा सकता है। बाकी यार उसके अलावा एक आजकल फ्रॉन्स की इंटीरियर की पूरी किट आ रही है 6,500 रुपये की, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। उसमें आपके पूरा आगे का वुडन हो सकता है या फिर आगे का आपका कार्बन फिनिश हो सकती है, तो वो पर्सनल चॉइस है बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत महंगी है। उससे अच्छा बाहर से जो ग्लॉस फिनिश है जो टॉप एंड वेरियंट में आती है वो करा सकते हैं, वो आपकी ज़्यादा सस्ते में पड़ जाएगी एंड वो बेटर लग रही है गाड़ी ज़्यादा। उसके अलावा एसेसरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट एसेसरी की बात करता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। क्यों ज़रूरी, सबसे पहले उसकी बात करता हूँ। आज के टाइम में जो हमारे ग्लास एरिया गाड़ियों का वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। पीछे वाले शीशे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में गाड़ियाँ में से कंपनी हटा ही देंगे क्योंकि इतने छोटे करते जा रही है। तो उस केस में हमारी आप सभी को बताया कि सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस तक पीछे कैमरा नहीं आता है। तो कैमरा ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेल्टा प्लस में आप कैमरा लगवा सकते हैं। मैंने कंपनी से लगवाया था, आई गेस 5,000 के आसपास था कैमरा। कैमरा की क्वालिटी डिसेंट है, कोई भी डायरेक्शनल लाइंस नहीं है उसमें, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप लगवा सकते हो कंपनी से या फिर बाहर से भी लगवा सकते हो। कंपनी से ये है कि अगर बाई चांस कहीं फ्यूचर में कुछ बोला किसी ने कि भाई वारंटी आउट है क्या है, तो हमारे पास प्रूफ है कि भाई कंपनी से एसेसरी लगवाई है, तो उस केस में आप हमारी वारंटी वॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गाड़ी में हमने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है। तो ये लोग बड़े चोचलेबाजी करते हैं कि भाई जब चीज़ का आप कुछ लेने जाओ ना कोई कि आप भाई हमारी गाड़ी के पार्ट खराब हो गए इसका हमें एक्सटेंडेड वारंटी दे दो, तो बड़े झोल झवाले करते हैं। और ये चीज़ मैंने झेली अपने इंश्योरेंस में, मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस में मुझे इतने पापड़ झेलने पड़े हैं, इतने बुरा हाल कर दिया, उसकी वीडियो सेपरेट आने वाली चैनल पर, तो मेक श्योर करें कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट लिस्ट जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं जो आप गाड़ी में लगवा सकते हो। मेरी गाड़ी में लमसम 17,000 रुपये की एसेसरी लगी थी, इंक्लूडिंग आपका कवर, गाड़ी का कवर, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, बट लोग कितना ही लगाते हैं, मैंने मुश्किल से 10 दिन लगाया होगा कवर, वो अब बाहर धूल खा रहा है। तो आपका चॉइस है, आपको इस पर अपना डिसीजन लेना होगा कि कौन कौन सी एसेसरीज लेनी चाहिए। मेरी पर्सनल चॉइस में जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट एसेसरीज है उसी की बात करिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि डेल्टा प्लस ऐसा वेरिएंट है जिसमें कुछ भी ऐसा माल मसाला की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ लग के आता है। एक मुझे पर्सनल चीज़ लगती है कि अगर उसमें जो विंडो साइड के पूरे में अगर वो क्रोम भी मिल जाती ना टॉप एंड वेरिएंट वाली, तो उससे गाड़ी मज़ेदार हो जाती, वो नहीं मिलती है। वो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, सब मैंने शोरूम्स में जाके बात करी है, तो जैसी अगर कुछ भी मिलता है मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो मेक श्योर करें कि चैनल की जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी दबा दें ताकि अगर वीडियो डाले चैनल पे तो आप पे बिल्कुल सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी नोट पे दोस्तों मी अर्षित साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग एंड सब्सक्राइब टू ऑल अबाउट कार्स चैनल। टिल देन कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ऑलवेज ड्राइव सेफ।